दोस्तों सबसे पहले चलते हैं गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने जो आरओ वाटर प्यूरिफाई का काम करते हैं गाजियाबाद में, उन्हें बोला कि उनके बारे में एक बार मैं एक वीडियो बनाऊं। दोस्तों वाटर प्यूरिफाई से संबंधित जो भी बिजनेस करते हैं लोग, वो सभी इस वीडियो को रिलेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, चाहे वो गाजियाबाद में हो चाहे भारत के किसी भी कोने के अंदर हो। दोस्तों मैं गूगल माई बिजनेस और क्लिक डॉट इन दो वेबसाइट के बारे में इस बारे में बताऊंगा। गूगल माई बिजनेस के ऊपर कैसे लिस्ट करना है अपने बिजनेस को, और आपको इनकम वहां से ग्रो होगी, आपकी इनकम वहां से आपको जनरेट होगी, और क्लिक डॉट इन के ऊपर कैसे लिस्टिंग करनी है ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो। दोस्तों मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा ये वीडियो लंबी ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपको सबसे पहले गूगल पर टाइप करेंगे गूगल माई बिजनेस, इस पर क्लिक करेंगे, मैनेज नाउ वाले ऑप्शन पर चलेंगे। दोस्तों ईमेल आईडी से लॉगिन करने को बोल रहा है, तो ईमेल आईडी से हम लॉगिन कर लेते हैं। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल देंगे। दोस्तों ये बोल रहा है टाइप योर बिजनेस नेम। दोस्तों पहले मैं गूगल कीवर्ड प्लानर टूल के ऊपर चलता हूं, कीवर्ड प्लानर टूल। ये ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि जो भी आप बिजनेस नेम रखते हैं, वो मैंने कई बार बताया कि वो बिजनेस नेम जो है वो होना चाहिए कीवर्ड जो लोग सर्च कर रहे हैं, ताकि आपका, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे किसी ने सर्च किया वुडन अलमीरा मेकर इन इन हरियाणा, वुडन अलमीरा मेकर इन हरियाणा, तो ये कीवर्ड भी है और बिजनेस नेम आपका ये होना चाहिए गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग के ऊपर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर साइन इन करते हैं। आप अपनी ईमेल आईडी से साइन कर रही है, मैं एक बार अपनी ईमेल आईडी साइन करके आपको पर्टिकुलर कीवर्ड निकाल के दिखाता हूं जो आरओ वाटर प्यूरिफाई से संबंधित है, क्योंकि मेरी ईमेल आईडी से ऑलरेडी लॉगिन है इसके अंदर, इसलिए ये वाला इंटरफेस आ गया। वीडियो ताकि लंबी ना बने, मैंने कई बार इसमें मेंशन किया है कि आप किस प्रकार से गूगल कीवर्ड प्लान के ऊपर जो है आप किस प्रकार सर्च कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो है, उसको मैं उसका आपको आई बटन इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। टूल एंड सेटिंग के अंदर गए, प्लानिंग में गए और कीवर्ड प्लानर के ऊपर आए। जो हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने उनका बताया कि आरओ वाटर प्यूरिफाई का काम करते हैं, तो मैं एक बार यहां लिखता हूं आरओ वाटर प्यूरिफाई और गेट रिजल्ट करता हूं। दोस्तों देखिए हाई कीवर्ड है ये और काफी अच्छी सर्चेस हो रही है आरओ वाटर प्यूरिफाई की। अभी अपने को क्या करना है, अपने को, हमने गूगल माई बिजनेस के ऊपर गए और आरओ वाटर प्यूरीफाई इन गाजियाबाद एंटर कर। अब दोस्तों वो पूछ रहे हैं कि आपका बिजनेस नेम क्या होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर रफली आपका मोबाइल नंबर पुट अप कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, 1 2 3 2 3 4 5 6 और ये देखिए आरओ वाटर प्यूरीफाई इन गाजीपुर। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई सर्च करता आरओ वाटर प्यूरीफाई इन गाजियाबाद, तो जब आपकी लिस्टिंग फ्रंट पे आएगी उसके सामने, तो आपका मोबाइल नंबर भी फ्रंट पे आ जाएगा। उससे क्या है, उसको आपका नंबर ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी तो आपको इजीली कॉल कर पाएगा, और मतलब उसकी समस्या का निदान बहुत शॉर्ट पीरियड में हो जाएगा, तो इसलिए आपका नंबर फ्रंट पे होना जरूरी है। यहां से इसको ओके कर देंगे, नेक्स्ट वाले बटन में चलेंगे। ये बोलते हैं बिजनेस कैटेगरी क्या होनी चाहिए, बिजनेस कैटेगरी एक बार टाइप करते हैं वाटर पंप सप्लायर, नहीं वाटर फिल्टर सप्लायर, फिल्टर भी नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर टैंक क्लीनर, वाटर पंप सप्लायर, वाटर स्किलिंग क्लब, वाटर पोलो पूल, वाटर स्काई शॉप, वाटर वर्क्स, वाटर यूटिलिटी कंपनी, स्किलिंग इंस्ट्रक्चर, टेस्टिंग वाटर। दोस्तों हालांकि बिजनेस कैटेगरी का बहुत जबरदस्त रोल है, मैं कभी आपको, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए बिजनेस कैटेगरी के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा कि बिजनेस कैटेगरी का बहुत बहुत रोल है। अभी मैं फिलहाल जो है ना
मैं इसके अंदर वाटर सेकंड वाटर पंप सप्लायर टैंक क्लीनर, एक एग्जाम्पल के तौर पर फिलहाल वाटर टैंक क्लीनर इसमें डाल रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट कर रहे हैं। बिजनेस कैटेगरी अगर आपके संबंधित ये नहीं भी है तो एक बार आपकी लिस्टिंग अप्रूव हो जाएगी, उसके अंदर हम बिजनेस कैटेगरी ऐड कर लेते हैं बाद में। पहला हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि हम बिजनेस को जो है वो लिस्ट करा ले गूगल माई बिजनेस के ऊपर। तो यहाँ नेक्स्ट करेंगे। डू यू वॉन्ट टू एड ए लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक ए स्टोर और ऑफिस? बिल्कुल, आपका कस्टमर क्या आपके स्टोर पर आए? बिल्कुल आए। हम यहाँ से करेंगे यस और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। और एड्रेस डालने को बोल रहा है, एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट डालिएगा दोस्तों, क्योंकि एक जो लेटर है वो आपके ऑफिस पे आएगा और जो भी आपका बिजनेस परमिशन है तभी आप वो लेटर को उसमें नंबर जो होंगे वो पुटअप कर पाएंगे, तभी आपकी लिस्टिंग अपलोड होगी। स्ट्रीट एड्रेस में राजनगर डाल देता हूँ, गाजियाबाद में राजनगर है, सिटी जो है वो गाजियाबाद हो जाएगी और पिन कोड गाजियाबाद का मुझे नहीं मालूम, गूगल पे सर्च कर लेते हैं एक बारी। पिन कोड ऑफ राजनगर गाजियाबाद, पिन कोड है 20 10 17। इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ गए ये रहा, और यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया क्योंकि ये रफली है, एक सिर्फ समझाने के लिए। स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो भी आपका स्टेट लगता हो, जिस भी शहर की आप बात कर रहे हो वो वाला स्टेट आपने यहाँ सेलेक्ट करना। नेक्स्ट कर देंगे। अब ये नाम ऑलरेडी इसके अंदर है, क्या आपका बिजनेस इसमें से है? नहीं दोस्तों, हम तो अपना अलग से कर रहे हैं। कोई अम्बेडकर रोड पे है, कोई शालीमार गार्डन एक्सटेंशन के अंदर है और ये सुमंगलम टावर एक यहाँ पर है। तो दोस्तों हमारा इसमें से कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट कर देंगे। तो बोलते हैं कि लोकेशन आप इसमें सेलेक्ट करना चाहते, दोस्तों बिल्कुल लोकेशन सेट करनी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो दिल्ली से हूँ, तो राजनगर के एक्सटेंशन मैंने कर दिया। यहाँ से नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं। डू यू ऑल्सो सर्व कस्टमर आउटसाइड दिस लोकेशन? बिल्कुल, कह रहे हैं कि आप अपनी लोकेशन के अलावा भी कहीं सर्व करना चाहते हैं। दोस्तों काम तो आपको बढ़ाना ही है, तो अगर आप गाजियाबाद के अलावा भी कहीं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर सकें तो वो भी कर सकते हैं। यस नेक्स्ट कर दिए। वो बोलते हैं कहाँ पर आप करना चाहते हैं, मैं लिख रहा हूँ नोएडा, नोएडा। नेक्स्ट, नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है नेक्स्ट कर दिया। आप बोल रहे हैं कॉन्टेक्ट फोन नंबर, फोन नंबर आपका जो है रफली कोई डाल रहे हैं, एग्जैक्ट तो नहीं है ये दोस्तों। ये बोलते हैं करंट वेबसाइट यूआरएल, कोई अगर आपकी वेबसाइट है तो उसका यूआरएल जो होता है वो आप पुट अप कर सकते हैं। वो बोलते हैं आई डोंट नीड वेबसाइट, मुझे वेबसाइट की जरूरत नहीं है, गेट ए फ्री वेबसाइट बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन। हमारे इन्फॉर्मेशन के बेस पे एक वेबसाइट बना देंगे दोस्तों। मैं आपको बोलना चाहूंगा फिलहाल लिस्ट करिए, लिस्टिंग एक बार अप्रूव हो गई तो हम उसमें सारे एडिट के ऑप्शन होते हैं, लिस्टिंग अप्रूव होना बहुत जरूरी है। तो मैं फिलहाल बोलूंगा कि आप टेक्निकली चीजों में फिलहाल ना पड़े, आपकी लिस्टिंग को पहले अप्रूव कराएं। नेक्स्ट कर दें। ये बोल रहे हैं कॉन्टेक्ट फोन नंबर इनवैलिड है, तो इसके अंदर हम ये डाल के एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, इसको ओके कर दिया, फिनिश कर दिया। अब बोलते हैं कि कॉन्टेक्ट पर्सन कौन होगा, मैं एक रफली आइडिया डाल रहा हूँ कि अमित नाम का व्यक्ति होगा जो इसको रिसीव करेगा। और एड्रेस क्या है, ये उनका मोबाइल नंबर है। ये मोबाइल नंबर तो वैसे तो अंदर होता है लिस्टिंग के अंदर, पर ये तो लिस्टिंग का नाम है आपकी। किसी ने सर्च किया आर ओ वाटर प्यूरिफाइन गाजीबाद तो ये लिस्ट इस प्रकार से सामने आ जाएगा और आपका नंबर डिस्प्ले होगा। मान लो मैंने सर्च किया या आप में किसी किसी ने सर्च किया तो नंबर आपका देखने में इजी हुआ, कॉल मिला दिया आपको, सर आप ये सर्विस देते हैं? बिल्कुल देते हैं। वहां से आपका लीड जनरेट हुई, लीड से इनकम में तब्दीली हुई। तो ये मैंने अपनी स्किल से मतलब आपको बताने की कोशिश करी है कि इस तरह नंबर डिस्प्ले हो जाए तो बहुत बेहतरीन है। और ये बोलते हैं कि मेल कर दीजिए। अब होगा क्या, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ, ये 12 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा इस एड्रेस पे जो हमने पुट अप किया है। कंटिन्यू करेंगे तो जब एक दोस्तों ये जो बेसिक डिटेल है उसको भी हम स्किप कर रहे हैं अभी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये बात कभी एडिट हो सकती है, भाई संडे को भी खोलते हैं, मंडे को भी खोलते हैं, इन इन दिन में खोलते हैं, हाँ जी खोलते हैं, तो टाइम पूछ लेते हैं आपसे, टाइम पुट अप करना है। फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद आपसे वो कहते हैं कि बिजनेस डिस्क्रिप्शन, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बिजनेस की डिस्क्रिप्शन क्या हो। ये वो वाला पार्ट आया था कि आपकी लिस्टिंग अधिक से अधिक लोगों के पास कैसे पहुंचे।
फिलहाल इसको भी स्किप कर रहा हूँ। 750 वर्ड आप इसके अंदर लिख सकते हैं, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कि बिजनेस डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करें ताकि आपका बिजनेस की जो लिस्टिंग है वो अधिक से अधिक सर्च में आए और वहां से इनकम आए। फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि एक बार लिस्ट करना जरूरी है और वीडियो बनाना जरूरी है। स्किप कर दिया। फोटो, फोटो फिलहाल मैं इसमें स्किप कर रहा हूँ। फोटो वही होनी चाहिए जो आपका एक्चुअल फोटो आपके स्टोर की हो। स्किप कर रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट रेडी, कंटिन्यू। दोस्तों इस प्रकार से ये आपका पूरा पेज निकल के आ जाता है। हम इस पे फिलहाल कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हाल फिलहाल हमारी जब लिस्टिंग अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको सारे एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये लिस्टिंग है आपकी जी, यहाँ से एक बार ये अब वेरीफाई हो गई है। देखो वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। तो यहाँ से हम कुछ करेक्शन करना चाहो अपने शॉप के नाम पे वो कर सकते हैं। ये आपका एड्रेस है, ये सर जो सर्विस किसी इसके एरिया में दे सकते हैं आप वो एड्रेस है। हमने जो समय बताया था कि कितने कितने इसमें आवर्स आप ऐड कर सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर, वेबसाइट ऐड हो जाएगी, प्रोडक्ट सर्विस क्या है, सर्विस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं लेकिन आपको धीरे धीरे मैं आगे मेंशन करता रहूंगा। अभी वेरीफाई नाउ हम जब हम करेंगे तो वो बोलता है कोड डालो। कोड वो क्या होगा जो 12 दिन के अंदर अंदर आपके इस एड्रेस के ऊपर आएगा, उसमें 6 अंक लिखे होंगे, इस एड्रेस पे आएगा, इस वाले पे, वो आपने यहाँ पुट करना है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ये लिस्टिंग अपलोड हो जाएगी और आपकी लिस्टिंग गूगल में आ जाएगी। अधिक से अधिक कैसे आए वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करनी पड़ेगी उसके अंदर। अब चलते हैं दोस्तों हम जो हम दूसरी मैंने बात करी थी click.in के ऊपर, गूगल पर चलते हैं दोस्तों सीधा, यहां टाइप करेंगे click.in, ये आ गई वेबसाइट और यहां पर हम एक लिस्टिंग करेंगे आरओ वाटर प्यूरिफाई से संबंधित। वैसे दोस्तों अगर पहली बार कर रहे हैं तो साइन अप करना जरूरी है, बेसिक डिटेल इसमें पुटअप होती है, ईमेल आईडी वगैरह वहां से लिस्ट कर सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी ना बने इसलिए मैं साइन इन कर रहा हूँ राइट। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे मेंशन कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। और यहाँ पर हमने अपनी ईमेल आईडी डाली, ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों ये बोलते हैं कि पोस्ट यूर एड, हम अपनी एक एड को पोस्ट करना चाह रहे हैं, वो कैसे करेंगे ये देखिए। ये सारे ऑप्शन होते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना है। रियल स्टेट का काम है, जॉब्स दे रहे हैं आप, ऑटोमोबाइल का काम है, मोबाइल एंड टेबलेट्स का है, इलेक्ट्रॉनिक का है। तो दोस्तों ये सबसे एंड में काम आया था सर्विस का, हम एक सर्विस दे रहे हैं किसी को ना। अब मुझे ऐसा लगता है कैटरिंग से संबंधित काम है तो एक बार कैटरिंग वाले पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें फोटो कौन सी डालनी है ये देखिए, फोटो दोस्तों वो डालें जो आपकी रियल स्टोर की हो, आपकी सामने अगर फोटो आ जाए तो उससे क्या कि जिस भी कस्टमर के पास आपकी फोटो ये इमेज जाएगी तो उससे थोड़ा सा कस्टमर अट्रैक्ट होता है। तो फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मैं अभी फिलहाल फोटो कोई भी पुटअप कर रहा हूँ इसके अंदर, आप अपने हिसाब से जेन्युइन फोटो इसमें पुटअप कीजिएगा क्योंकि आपको रफली आइडिया दिखाने के लिए कर रहा हूं मैं। और ये फोटो पुटअप होने के बाद इसमें दूसरी फोटो भी आप पुटअप कर सकते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, कोशिश ये है कि आपका समय कम से कम लिया जाए और अधिक से अधिक आपको जानकारी शेयर की जाए। और दूसरी इसमें फोटो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये ले ली। अब यहां से दोस्तों नीचे आ जाएंगे, टाइप सेलेक्ट, ये बोल रहे कि वेडिंग कैटरर्स हैं, कॉर्पोरेट कैटरर्स हैं, बर्थडे पार्टी कैटरर्स हैं, आप क्या काम करते हैं। तो हम इवेंट कैटरर्स हैं ठीक है दोस्तों। टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल कई बार मैंने बताया है दुकान का नाम होता है टाइटल, तो वो होना चाहिए लोग जो सर्च कर रहे हैं। अब सर्च क्या कर रहे हैं,
दोस्तों अभी हमने कीवर्ड प्लानर टूल को ओपन किया था ना, तो उसके अंदर क्या आया था, आरओ वाटर प्यूरीफाई। ये कीवर्ड हैवी है हालांकि, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, 10 दिन बाद 20 दिन बाद ये सर्च जब करेगा तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। कॉपी किया, यहां से पेस्ट कर दिया, और आपका मोबाइल नंबर एग्जाम्पल के तौर पे इन गाजियाबाद। दोस्तों ये कीवर्ड मैंने नाम क्यों रखा है इसका भी मैं आपको बताता हूँ। GHAZ कोई भी सर्विस आरओ वाटर प्यूरिफाई इन गाजियाबाद जब टाइप करेगा तो आपका नंबर सामने आ जाएगा, जैसे अभी गूगल माई बिजनेस के ऊपर कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, वी प्रोवाइड आरओ वाटर प्यूरिफाई इन गाजियाबाद। ठीक है दोस्तों, यहां से इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, कॉपी और नीचे आके पेस्ट करना है। गाजियाबाद हटाना है, लिखना है इन राजनगर। ऐसा क्यों कर रहा हूं दोस्तों मैं, इसलिए कि जब कोई गाजियाबाद जो शहर है इसके अंदर ये और अलग अलग टाउन भी है, गाजियाबाद के अंदर राजनगर भी है और वैशाली भी है, तो अगर वैशाली भी है और इसको एक बार हम यहां से कॉपी करेंगे, यहां लिखेंगे मोहन नगर। ठीक है दोस्तों, तो अगर इन इन एरियो के अंदर भी लोग सर्च करते हैं तो भी आपकी लिस्टिंग फ्रंट पे आए। ठीक है दोस्तों, और जो भी आपके बिजनेस के डिस्क्रिप्शन है वो सब आप इसके अंदर पुटअप करें। डिस्क्रिप्शन मतलब उसकी जो बेसिक जानकारी है, आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वी प्रोवाइड डोर स्टेप सर्विस फॉर ऑल गाजियाबाद, एग्जाम्पल के तौर पर। आप इसके साथ साथ कीवर्ड क्या होने चाहिए, ये जो बाकी वाले कीवर्ड हैं दोस्तों ये सारे कॉपी क्या करने हैं आपको यहां से। ठीक क्योंकि ये सारे कीवर्ड लोग सर्च तो कर ही नहीं है ना दोस्तों, तो अगर इसको कोई सर्च कर रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली इस तरह की सर्विस वो चाह रहा है। कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता है, तो इन 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 जो कीवर्ड है इनके ऊपर भी आपकी जो लिस्टिंग है सर्च आने के चांसेस रहेंगे। मोहन नगर, गाजियाबाद, जो भी आपका टाउन और पढ़ते हो, जो भी गाजियाबाद में और जगह है वो सब आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आरओ प्राइस, ये सब चीजें लोग सर्च कर रहे हैं, एक्वागार्ड प्राइस, कैंट ग्रैंड प्राइस, डॉक्टर एक्वागार्ड, ये लोग सर्च कर रहे हैं, तो इससे भी आपका सर्च में आने के चांसेस होंगे। ऐसी click.in से संबंधित और भी वेबसाइट है मेरे पास जो ऑलमोस्ट 5-10 के आसपास और होंगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसमें लिस्ट कर सकते हैं। दोस्तों पैसे खर्च करके तो कोई भी गूगल पे नंबर वन आ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आएगा, आर्थिक समस्याओं का निदान कैसे होगा, कम से कम लागत पर और कोशिश करेंगे ना लगे। तो दोस्तों हम तो यही प्रयास करेंगे जितनी मेरे पास जानकारी मैं आपको शेयर करूं, ताकि अधिक से अधिक भाइयों का भला हो और हमारा भारत जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो। कोरोना काल के अंदर मुझे मालूम है सभी परेशान है, सभी आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, तो अभी फिलहाल हमारा मेन मकसद है कि भारत को मजबूत करना है, आर्थिक रूप से मजबूत करना है, ताकि जो हमारी आर्थिक समस्या उनका निदान हो सके। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम चलते हैं नीचे, यहाँ पर हमारी वेबसाइट ऑलरेडी आ रखी है, मोबाइल नंबर आ रखा है, लैंडलाइन नंबर हमारे पास नहीं है, 289203, और यहाँ से इसको पोस्ट कर दें। प्लीज फिल ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स, कौन सी फील्ड्स रह गई, सिलेक्ट एटलीस्ट वन लोकेशन। अच्छा लोकेशन पूछ रहे हैं, तो इसमें कोई एक लोकेशन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फरीदाबाद। जी से गाजियाबाद आता है ना जी,
एक बार इसमें एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। गगन विहार, लोनी, भोपरा, गांधीनगर। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो इसलिए फिलहाल मैं कोई भी एक लोकेशन को सेट कर रहा हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ आप अपने हिसाब से इसको सर्च करके अपनी कोई भी एक लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें कर रहा हूँ गुलाबी बाग। और ये पोस्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों हमारा मकसद यही है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो, किसी का कोई भी बिजनेस हो वो भी अपने बिजनेस के बारे में मुझसे शेयर करे, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो अलग से किसी वेबसाइट के ऊपर बनाएंगे ताकि इस वीडियो को देखकर कुछ लोग समझ जाएं और अगली वीडियो को देख के फिर कुछ और लोग समझ जाएं। देखिए दोस्तों ये सक्सेसफुली पब्लिश हो चुकी है। व्यू ऐड करते हैं, हमारी वीडियो किस प्रकार से दिखाई देगी, हमारी जो लिस्टिंग है वो इस प्रकार से कुछ दिखाई देगी। दोस्तों देखिए इस पर आर ओ वाटर प्यूरिफाई इन गाजियाबाद, ये मोबाइल नंबर हमारा होगा वो सामने डिस्प्ले में आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों ये सारे कीवर्ड हमने इसमें पुट अप करें ताकि लिस्टिंग हमारी सर्च में आए और हमारा नंबर सर्च में आए। दोस्तों मैं इस प्रकार की वीडियो फाइनेंस की शेयर करता रहता हूं, अगर आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका और आपके किसी अपने का मैं भला कर पाऊं और इस प्रकार की आर्थिक समस्याओं का हम निदान कर पाए। दोस्तों हमें अपने को मजबूत करना है, अगर हम खुद मजबूत होंगे तो हमारा भारत मजबूत होगा। दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।